असलम एंड वेलकम टू एर फार्मेसी लेक्चर्स हम लोग एंटीबायोटिक्स डिस्कस कर रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री में उसमें नेक्स्ट क्लास है हमारे पास एंटीबायोटिक या माइक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक एंटीबायोटिकरेथ्रोमाइसिन जो है हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम हाइड्रोफोबिक एंटीबायोटिक है जो कि हमें मिलती है स्टेप्टोमाइसिस इरेथ्रेस स्पेशीज़ है जबकि ये बिलोंग करती है मैक्रोलाइट्स क्लास ऑफ एंटीबायोटिक एक्टिव है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसमें हमारे पास निज़ेरिया स्पेशीज आ जाती हैं बोडीला ब्रूसीला स्पेशज कैम्पाइलोबैक्टर है लिजोनीला है ट्रिपोनिमा पेलीडम है क्लेमाइडिया है या माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट एक्टिव है एरेथ्रोमाइसिन अवेलेबल है जेल फॉर्म में टेबलेट भी मिलती है कैप्सूल है ऑइंटमेंट क्रीम और सॉल्यूशन फॉर्म में अवेलेबल है अकवस्ट सॉल्यूशन के अंदर ये स्टेबल होती है जबकि एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर स्टेबल नहीं होती मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें एरेथ्रोमाइसिन का तो इसको याद करने के लिए इजी मैक्रोलाइट से ये मैक्रो का मतलब होता है बड़ा तो एरेथ्रोमाइसिन जो है ना बैक्टीरियल सेल के अंदर जाके बड़े राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड होती है जैसे ही बैक्टीरियल सेल को क्रॉस करेंगे सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करने के बाद ये जो है ना बाइंड होती है फिफ्टी एस सब यूनिट से बड़ा जो सब यूनिट है तो फफ़्टी एस राइबोजोमल सब यूनिट से बाइंड होने के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन काज करा कराते थे बैक्टेरिया उसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहा था तो इसको याद करने के लिए मैक्रो याद रखें मैक्रोलाइड है मैक्रो मतलब बड़ा तो ये फिफ्टी एस राइबोजोमल सब यूनिट से बाइंड होता है क्लासिफिकेशन अगर हम देखें मैक्रोलाइड्स की तो सबसे पहला नेचुरल फोर्टीन एलिमेंट्स वाला जिसमें हमारे पास इरेथ्रोमाइसिन ए बी सी डी आ जाते हैं इसके अलावा सिंथेटिक फोटीन एलिमेंट्स वाला जिसमें कलेथ्रोमाइसिन है डेरेथ्रोमाइसिन है फ्लोरिथ्रोमाइसिन है या रोजिथ्रोमाइसिन सेमी सिंथेटिक फिफ्टीन एलिमेंट्स वाला जिसमें हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन आ जाता है उसके अलावा सेमी सिंथेटिक सिक्सटीन एलिमेंट वाला सिप्रामाइसिन इंडिकेशंस अगर हम इसकी देखें तो इसको जो है ना यूज़ किया जाता है स्किन थ्रोट इन्फेक्शन में उसके अलावा नेजल इन्फेक्शन है पर्ट्यूसिस के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है कंजक्टिवाइटस में यूज़ किया जाता है उसके अलावा आरटीआई में इसका रोल है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया या लिजोनेरिस जो डिजीज़ है उनमें भी यूज़ किया जाता है न्योनेटल कंजक्टिवाइटस की प्रिवेंशन या प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी यूज़ किया जाता है क्लेम आइडिया के लिए भी यूज़ किया जाता है कॉन्ट्राइडिकेशन अगर हम इसकी देखें अगर क्लास्टिडियम डेफिसल बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ और उससे डायरिया हो रहा है तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उसके अलावा मैस्थिनिया ग्रेवेस को ये वर्सिन करता है तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कार्डिक एरिदिया में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज करा रहे होते हैं तो इसलिए कार्डिक एरिद्मियाज में भी कॉन्ट्राइंडेटेड है हेयरिंग लॉस उस कंडीशन में भी जो है कॉन्ट्राइंडेटेड है लिवर प्रॉब्लम्स जो भी लिवर पेशेंट है उनमें भी एरेथ्रोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एस एर एंड केमिस्ट्री ऑफ एरेथ्रोमाइसिन सो so, एरेथ्रोमाइसेंस की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास क्या है मैक्रोसाइक्लिक माइक्रोसाइक्लिकलेक्ट्रॉन है ठीक एक मैक्रो बड़ा जो है ना साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिंग भी मौजूद है हमारे पास और उसमें 14 से 16 कार्बन या एटम जो है ना होने चाहिए इससे ज़्यादा नहीं होंगे मतलब वो माइक्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर जो मैक्रोलाइट्स की है 14 से 16 तक जो है हमारे पास एटम्स मौजूद हैं और साथ में उसमें जो है एक या एक से ज़्यादा डी ऑक्सी शुगर्स हैं ये हैं हमारे पास बेसिक माइक्रोलाइट्स की या एरेथ्रमाइसिन की स्ट्रक्चर अगर हम इनकी बेसिक स्ट्रक्चर पे आएँ तो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो तरीक़े या तो इसको आप जो है इस तरह से बना लें या काउंटिंग करके बना लें आपने टोटल फोर्टीन बनाने हैं और फोर्टीन में यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन अब काउंटिंग स्टार्ट करें अगर आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो दोनों पॉसिबल तरीके हैं या तो आप सिंपली जो है ना दो इस तरह की बना के और उनको जो है ना मिला दें हाफ बेंजीन रिंग मतलब कंप्लीट बेंजीन नहीं है उसको आप जो है ना आपस आप में मिलाएं और फिर उसको कनेक्ट कर लें तो ये भी तरीका है या आप वन बाय वन काउंटिंग करके बना लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये फोर्टीन ऑक्सीजन पे तो दोनों तरीके से बन सकती है जो आपको ज़्यादा ईजी लगे अब काउंटिंग में थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ना प्रॉपर नहीं बन पाती है ज़्यादा इजी वे है कि दो आपने बनाई और उन दोनों रिंग्स को मिला दिया जो हाफ हाफ रिंग्स बनाई हुई हैं तो 14 आइटम्स आपके बन गए अब उस फोटीन में सबसे पहले वन और नाइन इन दो पोजीशन पे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा दें ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अब ये नोट करते रहे वन और नाइन पोजीशन पर क्या है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वन नाइन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके बाद टू से लेके कर ट्वेल्व तक हर जो है ना एक नंबर छोड़ के टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ये सबके सब, सब मिथाइल ग्रुप है टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व सबकी सब पे जो है मिथाइल ग्रुप है मिथाइल मेंशन कर दें ठीक है ये हो गया उसके अलावा थर्टीनथ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है सी टू एच फाइव थर्टीन नंबर पे सी टू एच फाइव है इथाइल ग्रुप है आपका ऑक्सीजन लग गया उसके अलावा मिथाइल सारे लग गए इथाइल ग्रुप लग गया इसके अलावा थ्री और फिफ्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन है इस तरह से ठीक है ऑक्सीजन लगाएं वो अभी हमने दूसरी लिंक्स से जो है ना कनेक्ट करना है तो थ्री और फाइव पे जो है हमारे पास ऑक्सीजन है और ट्वेल्थ पोजीशन पे जो हमारे पास कार्बन नंबर ट्वेल्व है यहां पे हमारे पास आर वन है ठीक है अब ये सारी की सारी आपकी मेन स्ट्रक्चर्स हो गई कि इसमें जो है आप पे कहां, कहां कौन से ग्रुप अटैच है और इसके अलावा ओ एच ग्रुप है जो कि सिक्स और इलेवेंथ पोजिशन पर है ओ एच ग्रुप इलेवंथ पोजिशन पर एक ओ एच ग्रुप आएगा दूसरा जो है सिक्स पोजिशन पर ओ एच ग्रुप आएगा ओवरऑल ये हो गई अब जो फाइव और थ्री पर है ना इन पर हमारे पास दो रिंग्स अटैच हैं थर्ड पोजिशन पर हमारे पास क्लेडीनोज की रिंग अटैच है क्लेडिनोज साइक्लिक पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर ही है जैसे ग्लूकोज की होती है रिंग विथ वो बनाएंगे। रिंग बनाएंगे। उसकी जो है थर्ड और फिफ्थ पोजिशन पर दो मिथाइल ग्रुप लगाएंगे थर्ड और फिफ्थ पोजिशन पर दो मिथाइल ग्रुप और फोर्थ पोजिशन पर ओ एच ग्रुप उसके अलावा फिफ्थ पोजिशन पर उसके आर टू आएगा रिंग का ठीक है रेडिकल टू जिससे हम मुख्तलि डेरिवेटिव बना सकते हैं ये हो गई हमारे पास क्लेडिनोज की स्ट्रक्चर उसके अलावा जो फिफ्थ पोजिशन थी उस पर हमने जो है डेस ओ समाइन बनाना डेस ऑफ समाइन वो भी साइक्लिक पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर ही है तो पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर है मतलब इस तरह से होगी हमारे पास ऑक्सीजन आ गया ठीक है साइक्लिक पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर पे सिक्स पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है थर्ड पोजीशन पर ओ ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पर डाय मिथाइल अमाइन है ये हमारे पास बन गई डेसोस अमाइन ये डी शुगर्स हैं और साथ में ये जो है मैक्रोलाइट की बेसिक हमारे पास जो है मैक्रोसाइक्लिक रिंग अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है इससे हमें एरेथ्रोमाइसिन बनाने अगर तो एरेथ्रोमाइसिन हमारे पास तीन है ए बी सी ए के लिए हमारे पास क्या होगा कि आर वन जो है ना वो ओ एच होगा मतलब जो ये रिंग वन में था मैक्रोलाइट वाली में आर वन वो होगा ओ एच और आर टू ये वाला जो है वो होगा ओ सी एच में थॉक्सिक ग्रुप होगा बी वाली में क्या होगा आर वन हाइड्रोजन है हमारे पास यहां पर हाइड्रोजन होगा और आर टू जो है वो फिर से मिथॉक्सिक ग्रुप होगा और एरेथ्रोमाइसिन सी जो है हमारे पास इसमें आर वन ओ OH एच होगा और आर टू भी ओ एच OH होगा दोनों ओ एच OH ग्रुपों आर वन और आर टू तो वो हमारे पास हो जाएगी एरेथ्रोमाइसिन सी तो इस तरह से ये तीन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं एरेथ्रोमाइसिन की एरेथ्रोमाइसिन के अलावा अगर हम क्लैरिथ्रोमाइसिन की स्ट्रक्चर देखें तो क्लैरिथ्रोमाइसिन में भी हमारे पास ऑलमोस्ट रिंग स्ट्रक्चर सेम है बस एक दो जो है ना इसमें मॉडिफिकेशन हमने करनी है ठीक है रिंग बनाने के लिए पहले दो हाफ इस तरह की बेंजीन बनाए उनको आपस में मिलाना है अब इसमें यहां पर वही ऑक्सीजन रहेगा फोर्टीन नंबर पर नंबरिंग कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वन और नाइन पोजीशन पर ऑक्सीजन ग्रुप्स हैं टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व इन सब पे जो मिथाइल ग्रुप थे वो सेम मिथाइल ही रहेंगे टेन ट्वेल्व थर्टीन पे जो इथाइल था वो सेम रहेगा अब हमारे पास ओ एज OH ग्रुप थे पहले सिक्स और इलेवन पे अब हो जाएंगे हमारे पास इलेवन और ट्वेल्व पे दोनों ओज OH ग्रुप यहाँ आ जाएंगे इलेवन और ट्वेल्व सिक्स वाला जो है अब ट्वेल्व पे आ गया जबकि सिक्स वाला जो ओ एज OH ग्रुप था वो अब हो गया मिथॉक्सी ग्रुप ठीक है ये चेंज याद रखें कि इसमें जो है ना मिथाइल ग्रुप तो सेम थे उसके अलावा ओ एज OH ग्रुप जो है ना वो अब हो गया इलेवन और ट्वेल्व पर ओ एज OH ग्रुप हो गया उसके अलावा सिक्स पोजिशन पर मिथॉक्सी ग्रुप हो गया बाकी सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है बाकी थर्ड और फिफ्थ पे जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन सेम रहेगा अब ये ऑक्सीजन के साथ समाइन रिंग जो है समाइन रिंग कैसे बनेगी सिक्स में पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर के साथ फोर्थ पोजीशन पर डायमिथाइल डायमिथाइल के अलावा थर्ड पोजीशन पर ओएच OH ग्रुप और लास्ट पोजीशन पर सी एच ये डेसो समाइन हो गई थर्ड वाले पे हमें जो ऐड करनी है क्लेडीनोज की रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वही पायरानोज पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर पे जो है थर्ड पोजीशन पे मिथाइल फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल फोर्थ पोजीशन पर ओएच OH ग्रुप और साथ में जो है फिफ्थ पोजिशन पर मिथॉक्सी ग्रुप ऐड हो जाए तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगी क्लेथ्रो माइसिन की इसिन के बाद नेक्स्ट हमारे पास है एजिथ्रोमाइसिन अब एजिथ्रोमाइसिन में एक थोड़ी सी चेंज है कि ये 15 है एक नाइट्रोजन इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है इसीलिए इसका नाम एजी, आ गया है। एजी जो है ना वो नाइट्रोजन की एडिशन की वजह से एजिथ्रोमाइसिन तो नाइन और टेन वाला जो कार्बन था ना उनके दरमियान में एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा एड हो जाएगा तो अब जो हमने प्रीवियसली रिंग्स बनाई थी ना कि एक ऐसे हाफ बनाई दूसरी भी ऊपर से ऐसे हाफ बना रहे थे अब ऐसे हाफ नहीं बनाएंगे उसमें जो है हम थोड़ी एक्स्ट्रा एडिशन कर लेंगे एक जो है नाइट्रोजन की वजह से एक्स्ट्रा ये आ गया बाकी वो कार्बन वन टू थ्री तीन कार्बन जैसे थे वही रहे बस नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आ गया अब इन दोनों को आपस में मिलाना है और दूसरी तरह से फिफ्टीन पोजीशन पे ऑक्सीजन से हम नंबरिंग कर लें। अब फिफ्टीन हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और ये फिफ्टीन वाली रिंग बन गई फिफ्टीन वाली रिंग पे फर्स्ट पोजीशन पर ऑक्सीजन है अब नाइन्थ पोजीशन वाला ऑक्सीजन नहीं रहा उसके अलावा मिथाइल ग्रुप जो है ना एट नंबर तक तो सेम रहेंगे टेन पर भी रहेगा जो हमने पहले डिस्कस किए थे टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व पर मिथाइल ग्रुप थे अब टेन तक सेम रहेगा उसके बाद जो है ना हमारे पास मिथाइल ग्रुप इलेवन पर भी है और इलेवन के बाद थर्टीन पर है ट्वेल्थ पे अभी नहीं है आगे क्योंकि रिंग जो है चेंज हुई है तो टू पर मिथाइल फोर पोजीशन पर मिथाइल सिक्स पोजीशन पर मिथाइल एट्थ पर मिथाइल टेन पर नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल उसके बाद एलेवन और थर्टीन पर मिथाइल ठीक है फर्स्ट पोजिशन पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन टू फोर सिक्स एट टेन एलेवन थर्टीन पर जो है मिथाइल उसके अलावा अब जो थर्टीनथ नंबर पे हमारे पास इथाइल ग्रुप था वो फोर्टीन पे शिफ्ट हो जाएगा सी टू एच फाइव फोर्टीन नंबर पे इथाइल ऐड करना है उसके अलावा ट्वेल्व और थर्टीन पर ओ एच ग्रुप है जैसे हमारे पास क्लैरिथ्रोमाइसिन में था इलेवन और ट्वेल्व पर वो अब चला जाएगा ट्वेल्व और थर्टीन पर क्योंकि एक बीच में जो है नाइट्रोजन ऐड हुआ तो वही जो है ट्वेल्व और थर्टीन पर चला गया ओ OH एच ग्रुप उसके अलावा सिक्स वाला मिथॉक्सी ग्रुप सेम रहेगा ओ सी एच थ्री सिक्स पोजिशन पर सेम रहेगा थ्री और फाइव पर सेम ऑक्सीजन अब उन ऑक्सीजन के साथ वही जो रिंग्स हमारे पास अटैच थी जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन में सेम हम जो है ना रिंग अटैच कर देंगे पायरानोज स्ट्रक्चर हमने अगर ऐड करनी है तो पायरानोज सिक्स मेंबर रिंग उसके अलावा फोर्थ पोजिशन पर डायमिथाइलाइन डाई मिथाइल अमाइन के अलावा थर्ड पोजीशन पर ओएच और लास्ट पर जो है मिथाइल ये हो गया डेसोजामाइन उसके अलावा थर्ड पोजीशन पर एक और पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर उस पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर की जो है मिथाइल ग्रुप थ्री और फाइव पर फोर्थ पर ओ एच ग्रुप और फिफ्थ पर एक और मिथॉक्सी ग्रुप तो ये हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी एजिथ्रोमाइसिन की एजी जो है वो नाइट्रोजन की वजह से इसका नाम है अगर हम इसका एस ए आर देखें तो एस की सबसे पहली पॉइंट जो मैक्रो साइक्लिक रिंग थी और दो डी ऑक्सी रिंग ये दोनों इसेंशल है फॉर एक्टिविटी मतलब ये रिंग जरूरी हैं दोनों डी ऑक्सी रिंग्स भी होनी चाहिए शुगर वाली जो है डी ऑक्सी शुगर रिंग के अलावा माइक्रोसाइक्लिक रिंग भी जरूरी है एक्टिविटी के लिए उसके अलावा सेकंड पॉइंट अगर हम देखें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके साथ बन रहा है अमाइनो शुगर के साथ अब ये जो शुगर्स अटैच हो रही थी इनके साथ ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू मिल रहे हैं तो अमाइनो शुगर्स के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और उसके अलावा कीटो ग्रुप जो हमारे पास ऐड है नाइन्थ नंबर पर ये भी इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए एरेथ्रोमाइसिन की एक्टिविटी के लिए नाइन्थ पोजीशन पर कीटोग्रुप भी जरूरी है एरेथ्रोमाइसिन की हमने स्ट्रक्चर देखी कि उसमें नाइन्थ पोजीशन पर कीटोग्रुप था और उसके अलावा अमाइनो शुगर का जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये भी जरूरी है थर्ड पॉइंट हमारे पास डा मिथाइल अमाइनो डाया मिथाइल अमाइनो जो हमारे पास मौजूद था डेसोस अमाइन के अंदर वो भी इसेंशल है अमाइनो शुगर के अंदर मतलब डाया मिथाइल अमाइनो होगा तो उससे जो है एक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि वहां से जो है ना मुख्तलिफ साल्स बन सकते हैं ड्रग के इस जो है अमाइनो ग्रुप के ऊपर जो मिथाइल अटैच है उसको हम वेरी करके मुख्तलिफ साल्ट बना सकते हैं ड्रग के और उसे वाटर सॉल्युबल भी बना सकते हैं क्योंकि इस पर अब डिफरेंट जो है ना हम मिथाइल के ऊपर चेंजेस करेंगे तो उससे हमें डिफरेंट ग्रुप्स मिलते रहेंगे इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सिक्स पोजीशन पर सिक्स पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप जो है या अगर हम इंक्रीज करें इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इसमें अगर हम एलिमेंट्स को इनक्रीज करते हैं या सिक्स पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं मैक्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर मैक्रोसाइक्लिक रिंग के सिक्स नंबर की बात हो रही है तो मैक्रोसाइक्लिक रिंग के ऊपर अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप लगाएं सिक्स पोजीशन पे या उसका नंबर इंक्रीज़ करें तो वो जो है ना इंक्रीज़ करेगा स्टेबिलिटी को वो जो है एसिड के अंदर स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर देगा लाइक हमारे पास क्लैरिथ्रोमाइसिन है और एजिथ्रोमाइसिन है वो एसिड में ज़्यादा स्टेबल हैं ठीक है लाइक क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन इन दोनों में हमारे पास सिक्स पोजीशन के ऊपर मेथॉक्सी ग्रुप है तो सिक्स पोजीशन पे जो मेथॉक्सी लगा रहे हैं वो एसिड स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है या अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज़ करें तो वो भी जो है एसिड के अंदर स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का नेक्स्ट हम सल्फोन अमाइड्स डिस्कस करेंगे